तो हम इसको बजा देते हैं अभी। दोस्तों ये बंद नहीं हो रही है इसकी वजह से, दोस्तों ये बंद नहीं हो पा रही है। मैं सोचा था कि पेट्रोल से बंद हो जाएगी। दोस्तों कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे तो बंद नहीं हो रही है। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसे ही धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए। तो आज हम जो आप पेट्रोल देख रहे हैं इसको हम डालेंगे इस कटोरे के अंदर। इसे कटोरे के अंदर डाल लेंगे, उसके बाद हम इसमें क्या है ना एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा डाल लेंगे, वो रहा एक टुकड़ा, ये देखिए टुकड़े को डाल देंगे इसके अंदर और फिर पेट्रोल डाल, मतलब पहले पेट्रोल डाल लेंगे फिर उसके बाद एक टुकड़ा डाल देंगे इसमें और फिर लगाएंगे इसमें आग और फिर देखते हैं कि क्या होता, मतलब बर्फ़ कैसे मेल्ट होती है पहला, और फिर भी जो होगा आपके सामने होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आगे चल के इससे और भी धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को आगे बाहर करेंगे या नहीं कर सकते किसी हालत में, तो चलिए बाहर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें हम इस पेट्रोल को डाल लेते हैं और उसके बाद हम बर्फ का टुकड़ा डाल लेंगे। ये देखिए ये प्योर पेट्रोल है। ओह माय गॉड, वाओ, ये दोस्तों। तो अब हम इसमें इतनी पेट्रोल डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, पहले मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ये देखिए अब सब कुछ हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे बर्फ़ का टुकड़ा और आग लगाएंगे बाहर, यहाँ नहीं लगा सकते आप समझ सकते। उसमें क्या पानी चला गया थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये रहा देखिए बर्फ़ का टुकड़ा, तो हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर और आग लगाएंगे बाहर। हेलो दोस्तों, तो क्या है मैंने ना मतलब थंबनेल बनाने के लिए इसमें क्या पेट्रोल डाली चेक कर रहा था, मतलब थंबनेल बनाने के लिए। तो आप देख सकते जैसे मैंने इसे पेट्रोल निकाल रहा हूँ, मतलब ये बर्फ़ जो टुकड़ा है वो निकाल रहा हूँ, उसमें देखिए निशान बन चुका है पेट्रोल की वजह से, मतलब पेट्रोल क्या है ना बर्फ़ को जल्दी जल्दी गला रही है। ये देखिए इसमें देखिए आप साइड से निशान बन चुका है चारों तरफ से, ये देखिए साइड से, ये देखिए यहाँ सब जगह उसमें निशान है, देखिए यहाँ देखो देखो ये देखिए यहाँ भी निशान है। तो अभी हम इसमें थोड़ी देर से आग लगाएंगे, अभी क्या है 2-3 मिनट बाद जब बर्फ़ वर्फ थोड़ा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा बहुत, सब जगह देखिए ऐसे ही निशान बन चुका है। तो चलिए अब इसमें लगाते हैं आग, पहले मैं इसमें से निकाल लेता हूँ क्योंकि पानी गल रहा है उसमें और कुछ नहीं हो रहा है, देखिए देखिए उसमें ज़्यादा पानी पानी हो चुका है पेट्रोल में। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं आग। हेलो दोस्तों, तो अब हम लगाएंगे इसमें आग, पहले हम डाल देते हैं इसके अंदर ये बर्फ़ का टुकड़ा जो आप नीचे देख रहे हैं ना पेट्रोल में, वो पानी है क्या ना, पहले हमने थंबनेल बनाने के लिए उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाला था, उस वजह से उसमें थोड़ा पानी जमा हुआ है नीचे, ठीक है, ज़्यादा उसमें पेट्रोल है 80% 20% पानी होगा शायद। ये देखिए ये रहा वो टुकड़ा, आप देख सकते हैं निशान आ चुके, देखिए ये वही टुकड़ा है, ये देखिए इसमें देखिए इसमें हम डाल देते हैं इसको, लगाएंगे इसमें आग। पहले मैं अपने हाथ धो लेता हूँ एक बार, ये अब हम इसमें लगाने वाले आग, तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो आग लगने के 100% चांसेस और लगेगी, पक्का लगेगी, पर देखते हैं बर्फ़ कैसे गलती है। ये देखिए दोस्तों इसमें लग चुकी है आग, तो देखिए कैसे गल रही है, और जो बर्फ़ है ना वो धीरे धीरे पिघल रही है और बहुत ज़्यादा स्पीड से पिघल रही है। ये देखिए दोस्तों इसे पिघलना स्टार्ट हो गई है, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पीड से पिघल रही है बर्फ़, वो बर्फ़ देखिए काली हो चुकी है, अगर आप अंदर देखेंगे तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा है, कटोरा ही पूरा काला हो चुका है। जैसे ये बर्फ़ पूरी गल जाएगी हम इस आग को रोक देंगे और धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ये देखिए आप देखेंगे तो आग भी बहुत कर रही है अगर देखा जाए तो दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब करीब करीब 50% बर्फ़ गल चुकी है, वो बर्फ़ पूरी काली हो चुकी है, मतलब ऊपर से तो काली काली हो चुकी है, अंदर जो भी हो मैं नहीं कह सकता। तो आग थोड़ी टेढ़ी चल रही है, उस चक्कर में मैं दूर हो गया हूँ। दोस्तों ये देखिए पूरे कटोरे में ही आग लग चुकी है, मतलब कटोरा भी आग पकड़ चुका है पूरी तरीके से। तो दोस्तों वैसे जैसे ही ये पूरी मतलब बर्फ़ गल जाएगी ना, मुझे बर्फ़ दिख रही है पर आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरे पर, मुझे पूरी बर्फ़ दिख रही है, जैसे ही बर्फ़ गल जाएगी वैसे हम आग को बुझा देंगे और बिल्कुल बर्फ़ मतलब जो खोलने लगा अच्छे तरीके से, तो शायद अब बुझाने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों बर्फ़ पिघल चुकी है तो हम इसमें लगा देते हैं, मेरे हिसाब से पिघल चुकी है, शायद वो थोड़ी बहुत बची हो लास्ट की, तो हम इसको बुझा देते हैं अभी। दोस्तों ये बंद नहीं हो रही है इसकी वजह से, दोस्तों ये बंद नहीं हो पा रही है, मैं सोचा था कि पेट्रोल से बंद हो जाएगी। दोस्तों कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे तो बंद नहीं हो रही है। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी देखिए जल रही है अच्छे तरीके से, तो वो क्या गत्ता से हमने बुझाई तो वो गत्ता भी मतलब जल चुका है, तो हम उसको बुझा देते हैं, वाली बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, तो हम इसको बुझा देते हैं कांच की मदद से, शायद बुझ जाए।
बताओ लिया जा, एक कांच और गत्ते की मदद से हम उसको बुझा देंगे। तो मतलब बर्फ़ तो पूरी पिघल चुकी है वैसे, तो अभी हम गत्ता ला रहे हैं पूरी देर से। तो दोस्तों ये बुझ नहीं रही है बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए आग बुझ चुकी है मेरे हिसाब से पूरी तरीके से। देखिए थोड़ी और लपटें निकल रही हैं साइड से, पर ये मेरे हिसाब से बुझ चुकी है। तो अभी थोड़ी देर खोलेंगे फिर देखते हैं। तो थोड़ी देर वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आग हो सकता है कि अंदर भड़क रही हो। तो बुझ चुकी है मेरे हिसाब से, तो चलिए इसको खोलते हैं एक बार। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। ये देखिए पूरी बुझ चुकी है, अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी बर्फ़ और बची हुई है। मुझे लग रहा था कि पूरी पूरी बर्फ़ पिघल चुकी है, पर फिर भी थोड़ी बहुत बर्फ़ रह गई है जो कि पिघली नहीं है। मेरे साथ छोटी सी छिपटी होगी, ज़्यादा मोटी नहीं होगी बर्फ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है हमको। इसमें जो आप काड़ी देख रहे हैं वो काड़ी भी जली नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए पेट्रोल आप देखेंगे कैसी हो चुकी है। और ये देखिए ये मेरे हिसाब से करीब करीब 15% बचा है उसका, 100 में से 15% बचा है। छोटी छिपटी है, कोई ज़्यादा मोटी नहीं है। और पेट्रोल देखिए कैसी मिक्स मिक्स ही हो चुकी है, पेट्रोल में पानी मिल चुका है इसलिए पेट्रोल कलर थोड़ा फीका सा पड़ गया है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतनी दिक्कत आ जाएगी बुझाने में, पर फिर भी हमने बुझा ली है। ये देखिए इतनी बर्फ़ बची हुई है अभी यहाँ पर, करीब करीब 15% है। तो आप पेट्रोल कलर देखेंगे ना तो देखिए कितना ज़्यादा मतलब पतला हो चुका है। पहले गाढ़ा कलर था बिल्कुल ऑरेंज, बाको ऑरेंज, तो अभी देखिए मतलब बिल्कुल पतला हो चुका है। ऑरेंज का तो कोई नामो निशान नहीं है। ये देखिए बिल्कुल वो काड़ी फाड़ी वगैरह तो बिल्कुल चली नहीं है। आप देखेंगे चारों तरफ से ये देखिए लेयर बनी हुई है। ये देखिए पूरा मतलब नीचे आप देखेंगे तो बिल्कुल सफ़ेद है, ऊपर देखिए पूरा काला, जैसे कोई एक सेटिंग में काटता ना किसी चीज़ को, वैसे ही पूरा नीचे से वाइट वाइट है कटोरा और ऊपर से ब्लैक हो चुका है। और आपने देखा था कटोरा कैसे जल रहा था धगधगाकर, बाहर भी आग लग रही थी कटोरे में, पता नहीं कैसे लग रही थी, पूरा जल रहा था कटोरा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि क्या होता है जब बर्फ़ को पेट्रोल के अंदर डालकर आग लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है जैसा आप देख रहे हैं अभी मोबाइल पर। तो दोस्तों आप ऐसा ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम एक सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। तो आप ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, घर पर या कहीं भी बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश ना करें, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पसंद आई तो दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी बहुत धमाकेदार आएगी, तो उसे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।